हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ अध्याय टू, यानी कि आपका अध्याय का नाम दोस्तों बहुपद। क्या दोस्तों? बहुपद। तो मैं आपको आज प्रश्नावली टू भी करवाने के लिए दोस्तों जा रहा हूँ। क्या दोस्तों? प्रश्नावली टू भी करवाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है ना दोस्तों। हम चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि एक्स प्रश्नावली जो आपकी टू भी है, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना दोस्तों आना चाहिए, और इससे संबंधित तो जो भी फॉर्मूला होंगे मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। दोस्तों, जब द्विघात समीकरण, क्या दोस्तों? जब द्विघात समीकरण ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हो। क्या हो दोस्तों? जीरो। ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तब, क्या दोस्तों? सी हो तब समीकरण, या फिर दोस्तों बहुपद बोल सकते हैं हम, तब बहुपद के दो मूल होते हैं। कितने मूल दोस्तों? दो मूल, अल्फा तथा बीटा। अल्फा तथा बीटा, दो मूल अल्फा तथा बीटा होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो मूल होते हैं अल्फा तथा बीटा। जब द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तब बहुपद के दोस्तों दो मूल होते हैं, एक अल्फा और दूसरा होता है बीटा। तब इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला आपका होता है सबसे पहले मूलों का योगफल। क्या दोस्तों? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, क्या दोस्तों? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक। क्या दोस्तों? माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या दोस्तों? एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला फॉर्मूला है आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपके मूलों का योगफल का फॉर्मूला है। योगफल का दोस्तों अर्थ होता है प्लस, यानी कि अल्फा और बीटा का योगफल ए, ठीक है ना। माइनस एक्स का गुणांक, हम इसको और तरीका से बता दें एक बार, अल्फा प्लस बीटा इधर लिखेंगे आप। माइनस एक्स का गुणांक का अर्थ क्या होता है? माइनस फॉर्मूला का। एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों? बी। क्या दोस्तों? बी। बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों? ए। तो ए, ए आपका फॉर्मूला रहेगा मूलों का योगफल का। ए आपका हिंदी में लिखा है, ए आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर में लिखा है, ठीक है ना। फिर दोस्तों आपका दूसरा फॉर्मूला है मूलों का गुणनफल। क्या है दोस्तों? मूलों का गुणनफल। क्या है दोस्तों? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों? अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या दोस्तों? अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर, अचर पद क्या है दोस्तों? सी। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों? ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या है दोस्तों? सी बटे ए। क्या है दोस्तों? सी बटे ए। ए आपके मूलों का योगफल का फॉर्मूला है, ए आपके मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों द्विघात समीकरण बनाने का। क्या दोस्तों? द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला। क्या दोस्तों? द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला आपका होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, जब आपके समीकरण के दो मूल दिए हों अल्फा और बीटा का मान, तब आपसे द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद बनाने के लिए बोलते हैं। तो आपको यही लिखना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यहाँ समीकरण की जगह पर दोस्तों आप बहुपद भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बहुपद या समीकरण ही, वो बात बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपके इस प्रश्नावली में 2B में अभी हाल ही में ये तीन फॉर्मूला यूज होना है। क्या होना दोस्तों? ये तीन फॉर्मूला आपके प्रश्नावली में यूज होना है। और भी हैं, अभी तो ये द्विघात समीकरण के हैं, फिर हम आपको त्रिघात समीकरण के बताएंगे। पहले इन द्विघात समीकरण से संबंधित इन सवालों को आप समझिए, ठीक है ना दोस्तों, फिर हम आपको त्रिघात वाले समीकरण सिखाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आपको एक पेन कॉपी और रजिस्टर दोस्तों लेकर के बैठना है कि जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं वो आप फॉर्मूला लिख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से, और जैसे सवाल मैं सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप सवाल को सॉल्व करते जाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, यदि आप मेरे साथ अगर अभी से जुड़ रहे हैं तो आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जब होंगे आपके, फिलहाल दोस्तों अभी तो चल ही रहे हैं, लेकिन जब भी आपकी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका 101% दोस्तों 70 में से 70 नंबर का आपको पेपर पूरा का पूरा दोस्तों फंसा मिलेगा, यदि आप हमारे साथ इसी तरीके से तैयारी अगर करते रहे तो, ठीक है दोस्तों। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 1 का फर्स्ट नंबर का सवाल। तो दोस्तों इसमें क्या बताना है आपको, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का अर्थ होता है दोस्तों इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कीजिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना है। दोस्तों कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर वाले पद क्या है? कुछ नहीं लिखा, 1 मानिए। क्या मानिए? 1। दोस्तों इस 8 का गुणा कीजिए 1 में, तो 1 का गुणा हमने 8 में किया तो 8 एकम 8। अब दोस्तों इस 8 के हमें ऐसे गुणनखंड तोड़ना है जिनका जोड़ घटाना आना चाहिए 2, माइनस के 2, या तो जोड़ने पर 2 बनना चाहिए या घटाने पर 2 बनना चाहिए माइनस के, और गुणनफल आना चाहिए दोस्तों 8। कितना आना चाहिए दोस्तों? 8। दोस्तों यदि हम कहें 8, तो दोस्तों 8 हम कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे 8, 4 का गुणा करेंगे दोस्तों कितने में? 2 में, तो 4 दूनी 8, और हम अगर 4 में से 2 घटा देते हैं तो माइनस के 2 बचते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे 2 माइनस 4 बराबर माइनस के 2। यानी कि दोस्तों जो भी गुणनखंड यहाँ पर लेंगे 8 के, तो गुणनफल बनना चाहिए 8, या फिर जोड़ या घटाना आना चाहिए बीच की संख्या, ठीक है ना, और वो भी माइनस की। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8। इसका क्या करेंगे आप? 2 के जोड़ा बना लीजिए। इधर से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है आपका? एक्स। क्या रहा दोस्तों? एक्स। कॉमन का अर्थ दोस्तों क्या होता है कि जो संख्या इधर है वो संख्या इधर भी होना चाहिए, वो संख्या कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है 2x। 2x से दोस्तों 1x बाहर निकलेगा, कितना बचा आपका? 1x। जी x बाहर हो गया, इधर 4 बचे हैं आपके, इधर 2 है इधर 8 है, कितना कॉमन आएगा? कॉमन का अर्थ होता है दोस्तों हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है, कॉमन का अर्थ होता है वो पहाड़ा ढूंढिए जिस पहाड़े से 2 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। दोस्तों 2 का ही पहाड़ा है, कहने का अर्थ है इधर पर आपके 2 कॉमन आ रहे हैं, तो x माइनस 2 चौके 8। आपके इन दोनों कोष्टकों में एक सी संख्या आना चाहिए, यदि एक संख्या आ रही है तो आपका सवाल सही है, नहीं तो कहीं पर मिस्टेक हो चुका है। दोस्तों x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 2 जी लिखना है, यानी कि जी एक संख्या के दोनों कोष्टकों में, तो आप समझ जाइए इन दोनों कोष्टकों में जब संख्या सेम आ गई है तो आपका सवाल सही है। इन दोनों कोष्टकों में से कोई सा एक संख्या लिख दो और दूसरे कोष्टक में जे एक्स और जे प्लस की 2 लिखना है, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपको 0 के बराबर करना है, शून्यांक ज्ञात करना है तो 0 के बराबर करना पड़ेगा दोनों कोष्टकों को। 4 को पक्षांतर किया तो एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस के 4। क्यों दोस्तों? 4 को पक्षांतर किया माइनस के थे तो प्लस के हो गया, इस 2 को इस साइड ले जाओ तो एक्स बराबर माइनस के 2, ठीक है ना दोस्तों। जे आपका पहला जो x का मान कहलाएगा, a आपका अल्फा कहलाएगा, अल्फा बराबर 4, और जे कहलाएगा दोस्तों आपका बीटा का मान -2। यानी कि द्विघात समीकरण है तो आपका क्या होगा? द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, अल्फा और बीटा। अब दोस्तों जांच करने पर क्या करने पर दोस्तों?
जांच करने पर, सत्यता की जांच करना है दोस्तों, तो जांच करने पर दोस्तों, जांच करने पर आप क्या लिखेंगे, पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों, मूलों का योगफल, क्या दोस्तों, मूलों का योगफल बराबर क्या होता दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस तरीके से बताया था मैंने दोस्तों। मैं ये हिंदी बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख करके मैं इसका एक वो बता देता हूँ स्ट्रक्चर। तो मूलों का योगफल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, और माइनस एक्स का गुणांक कहाँ देखेंगे दोस्तों, इधर पर इस समीकरण में दोस्तों, एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो समीकरण में, जो आपका समीकरण या बहुपद है, उस बहुपद में एक्स का गुणांक, यानी कि गुणांक का मतलब गुणांक है, तो एक्स की गुणांक में दोस्तों क्या धारक कितना है, माइनस की टू दोस्तों, ये जो फॉर्मूला का माइनस वो एक वहाँ पर माइनस की टू तो जी है ही आपके, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है, वन। अगर दोस्तों अगर कोई संख्या इधर पर लिखी है टू थ्री फोर फाइव, कोई भी संख्या लिखी है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो होता है, अगर नहीं लिखी है तो आपको वन मानना है, क्या मानना है दोस्तों, वन। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना कहलाएगा दोस्तों, वन, क्या कहलाएगा, वन। अब दोस्तों अल्फा का मान कितना है, फोर, कितना है दोस्तों, फोर, प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों, माइनस के टू, बराबर एक का भाग दोस्तों दो में देंगे तो दो आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, दो एक हम दो चार, प्लस में से दोस्तों माइनस, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे कितना आएगा, माइनस के दो बराबर दो, ठीक है ना दोस्तों, चार में से दो का कितने बचे, दो बराबर दो, ठीक है ना दोस्तों, बराबर बराबर आ चुके हैं, आपका सवाल सही है, क्या है दोस्तों, आपने सत्यता की जाँच कर ली है, क्या कर ली दोस्तों, आपने सत्यता की जाँच कर ली है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना, दो बराबर आपके दो आ चुके हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी सत्यता की जांच हो चुकी है, ठीक है ना। अब जी आपका मूलों का योगफल, जी दोस्तों रफ कर रहा था, हम इसको साफ कर दें। अब इसके बाद है दोस्तों क्या, मूलों का गुणनफल, क्या है दोस्तों, मूलों का गुणनफल, इससे भी मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक दोस्तों क्या होता है, मूलों का गुणनफल, क्या दोस्तों, मूलों का गुणनफल दोस्तों, पहला मूल क्या है अल्फा, दूसरा मूल क्या है बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है दोस्तों, अचर पद कितना है आपका, अचर पद है आपका कितना, माइनस के आठ, कितना है, माइनस के आठ, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों, एक, एक रख दीजिए, अल्फा का मान आपने कितना निकाला था, फोर, इधर फोर रख दीजिए, बीटा का मान कितना निकाला था, माइनस के दो दोस्तों, माइनस के दो, एक का भाग आठ में देंगे तो आठ आएगा, चार दूनी आठ बराबर माइनस के आठ, माइनस के आठ बराबर आठ दोस्तों, ये आपका क्या हो जाता है आंसर, यानी कि दोस्तों आपको तो जाँच करना है कि सवाल सही है कि नहीं। तो दोस्तों हमने आपको मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा करके सिद्ध किया, तो माइनस की आठ बराबर माइनस की आठ आए हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसी तरीके से सिद्ध कर, पहले आपको अल्फा बीटा के मान निकाल लेना, इसी तरीके से आपको सारे सवाल लगाते चलना है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे दोस्तों, अब हम देखते हैं आपका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है आपका पहले का सेकेंड सवाल दोस्तों, इसका पहले आपको क्या करना, फोर एस स्क्वायर माइनस के फोर एस प्लस में वन दोस्तों, इसका आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण है आपका, इसके गुणनखंड तोड़ना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, एक का गुणा पहले चार में कीजिए, तो एक गुणा चार, चार एक हम चार, इस चार के ऐसे गुणनखंड तोड़े दोस्तों कि माइनस के चार बन जाए, तो आप कैसे करेंगे चार एस स्क्वायर, चार को क्या लिख सकते हैं, माइनस के टू एस और माइनस के टू एस प्लस के वन, दो दो की आप जोड़ा बना लीजिए, इधर से दोस्तों क्या कॉमन आ रहे हैं, चार इधर दो इधर दोस्तों, दो कॉमन आ रहा है, एस स्क्वायर इधर ऐसे, तो दोस्तों एस कॉमन आ गया दोस्तों, दो दो ने चार, एस स्क्वायर में से एक एस बाहर आ गया तो एक एस बचा, टू एस एक कम टू एस, इधर से दोस्तों क्या कॉमन आ गया दोस्तों, माइनस के वन, कितना आ गया दोस्तों, माइनस के वन कॉमन आ गया, तो दोस्तों माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस आ जाएगा, और इधर टू एस एकम टू एस, माइनस का भाग प्लस होते माइनस, एक एकम एक,
ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपके दोनों कोष्टक एक जैसे आ चुके हैं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2s-k1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2s-k1, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनको जीरो के बराबर कर दो, तो 2s-1 बराबर जीरो, और इसको करेंगे तो 2s-1 बराबर जीरो। दोस्तों एक s बना है, क्या बना दोस्तों s, क्या बना है दोस्तों s बना है, तो वन को पक्षांतर करिए, वन को पक्षांतर करिए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2s बराबर एक, 2s बराबर एक, और दोस्तों s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। इसका दोस्तों क्या हो जाएगा s बराबर 1/2, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आपके लिए s के दो मान निकल आए, तो इसको मानिए आप अल्फा, क्या मानिए दोस्तों अल्फा का मान 1/2, इसको मानिए दोस्तों बीटा, बीटा का मान 1/2, क्या दोस्तों बीटा का मान भी आप 1/2 मानिए, क्या मानिए बीटा का मान, बीटा का मान भी आप क्या मानिए 1/2। दोस्तों जब आपने अल्फा और बीटा के मान निकाल लिए, तो अब आपको क्या करना है सत्यता की जांच करना है, क्या करना है दोस्तों जांच करने पर, क्या करने पर दोस्तों जांच करने पर, सबसे पहले आपको क्या लगाना है मूलों का योगफल, क्या लगाना दोस्तों मूलों का योगफल बराबर क्या होता है x-x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। मूलों का योगफल दोस्तों यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या दोस्तों अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या दोस्तों एस है इधर पर, तो आप इधर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो दोस्तों एस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एस, यानी कि एस का गुणांक और एस स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों एस का गुणांक कितना है -4, एक जो फॉर्मूला की माइनस है एक जे, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 4, कितना है 4। अल्फा का मान दोस्तों कितना है 1/2, और बीटा का मान भी 1/2, माइनस का गुणा माइनस करेंगे दोस्तों +4/4, इसको इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 2/2, इसका 4/4 बराबर में 2 × 1 = 2, 4 × 1 = 4, दोस्तों 1 = 1 आ चुका है आपका इति सिद्धम, यानी कि जांच हो चुकी है कि आपका सही है। अब दोस्तों इसी तरीके से आप मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है दोस्तों अचर पद बटे में x² का गुणा, अचर पद बटे में x² गुणा, मूलों का गुणनफल यानी कि दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है आपका 1, कितना है दोस्तों 1, और x² गुणांक कितना है दोस्तों 4, कितना है दोस्तों 4, अल्फा का मान कितना है आपका 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर 1/4, ठीक है ना दोस्तों 1/4 बराबर 1/4, यानी 1 × 1 = 1 और 2 × 2 = 4 बराबर 1/4, ठीक है ना दोस्तों, ये भी आपका बराबर बराबर आ चुका है। इस तरीके से आपको सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, तो दोस्तों हम देखते हैं तीसरा सवाल कि आपका तीसरा सवाल कैसा, पहले का तीसरा सवाल, तो दोस्तों तीसरा सवाल है आपका 6x² - 3 - 7। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 घात वाला पद लिखा जाता है, फिर 1 घात वाला पद, क्या दोस्तों 1 घात वाला पद, फिर इसके बाद में दोस्तों -3, यानी कि पहले 2 घात वाला पद, फिर 1 घात वाला पद, फिर आएगा दोस्तों क्या अचर पद। अब दोस्तों इसका क्या करिए, अब गुणनखंड करिए, 3 का गुणा करिए दोस्तों 6 × 3 = 18, कितना दोस्तों 3 × 18 = 18 की ऐसे गुणनखंड कीजिए कि आपके 7 बन जाए, कितने बन जाए दोस्तों 7। तो आप कर सकते हो 2 × 9 = 18, कितने दोस्तों 2 × 9 = 18, और दोस्तों 2 में से 9 चलेगा, कितने बचे आपके -7, कितने बचे दोस्तों -7। तो आप इसी तरीका से कर सकते हैं 6x² - 2 + 2x - 9x और -3,
दो दो के क्या बना लीजिए दोस्तों, जोड़ा, तो इधर पर कितना आएगा दोस्तों आपका 2x, दो तिया 6 और 1x, इधर पर 2x एकम 2x, इधर पर दोस्तों कितना आएगा माइनस के 3, तो 3 त्रिका 9, माइनस को भाग माइनस में देंगे दोस्तों कितना आएगा प्लस 3 एकम 3। एक संख्या के दोनों कोष्टकन में सवाल आपका सही है, तो एक कोष्टक में 3x प्लस 1 लिखिए, दूसरे कोष्टक में जे और जे, तो 2x माइनस के 3 इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। इनको जीरो के बराबर कर दीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को पक्षांतर करिए 1 को पक्षांतर, दोस्तों कितना आएगा 3x बराबर माइनस 1, 2x बराबर प्लस के 3, और दोस्तों x बराबर 1/3, 3 को इसके नीचे लाइए, इधर पर आएगा दोस्तों x बराबर 3/2। ए दोस्तों आपका अल्फा का मान क्या लाएगा, अल्फा बराबर 1/3, और ए आपका क्या लाएगा बीटा बराबर 3/2, ए भी आपका मान कहलाएगा, जी आपका अल्फा का मान, जी आपका बीटा का मान, इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्व करते चलना है। अब दोस्तों सत्यता की जांच करना है आपको, तो जांच करने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे जांच करने पर, तो दोस्तों क्या पहला फॉर्मूला था मूलों का योगफल बराबर क्या दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बताया था मैंने इस तरीके से। तो अल्फा का मान दोस्तों कितना है आपका 1/3, बीटा का मान कितना है दोस्तों 3/2 बराबर माइनस एक्स गुणांक, फॉर्मूला का माइनस है, एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों माइनस के 7, कितना है दोस्तों माइनस के 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 6, कितना है दोस्तों 6, तो आप यहां पर 6 लिख दीजिए। अब दोस्तों इसका इसका का ले लीजिए आप एलसीएम, कितना ले लीजिए दोस्तों एलसीएम, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, माइनस माइनस गुणा करो दोस्तों प्लस, तो 7/6, ठीक है ना, बराबर में आप इसको क्या कर सकते हो, दोस्तों ये माइनस के 1/3 है, क्या है दोस्तों माइनस के 1/3 है, कितना है दोस्तों माइनस के 1/3, तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा दोस्तों, 6 से 6 कट गए आपके, 9 में से 2 का कितना बचा दोस्तों 7, 7/7, इस तरीके से आपका ये जांच हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मूलों का योगफल, अब दोस्तों इसी तरीके से आपको मूलों का गुणनफल वाला चलाना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, दोस्तों अल्फा का मान आपका कितना है माइनस के 1/3, बीटा का मान दोस्तों कितना है 3/2, अचर पद कितना है आपका, अचर पद माइनस के 3, माइनस के 3/3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 6, तो आप इधर 6 लिख दीजिए, 3 से आपके 3 कट जाते हैं, तो माइनस के 1/2 इस साइड, इसको काट 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो माइनस के 1/2, ये भी आपका जांच हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको पहले सवाल के तीनों सवाल बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और यदि आपने हमारा YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आप इसी तरीके से, तो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। यदि दोस्तों आपकी कमज़ोर मैथ बहुत कमज़ोर है दोस्तों, हमारे साथ आप एक बार पढ़कर देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊँगा। सेकेंड सवाल में दोस्तों कह रहे हैं कि 40² माइनस के 8t, क्या है दोस्तों 40² 4u² क्या दोस्तों 4u² माइनस के 8u, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपका सवाल है, इधर पर प्लस है, क्या है दोस्तों प्लस,
अब हमें क्या करना है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करो। दोस्तों जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन के बताया उसी तरीके से दोस्तों ये करना है आपको। दोस्तों क्या करेंगे, ये आपका द्विघात समीकरण है तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर दोस्तों तीन पद तो है नहीं है कि हम इसके गुणनखंड तोड़ दें, दोस्तों सीधे डायरेक्ट आप कॉमन ले लीजिए। तो दोस्तों 4u आपका कॉमन आएगा, इधर बचेगा u प्लस 4 × 2 = 8, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इसको क्या करेंगे, 4u को 0 के बराबर मानिए और u प्लस 2 को भी आप 0 के बराबर मानिए। दोस्तों u बराबर 0/4 हो जाएगा, u बराबर माइनस की 2 हो जाएगा। एक आपका एक 2 को पक्षांतर कर दिया ना, प्लस की 2 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस की 2। 4 को इसके नीचे लाएंगे, 4 का भाग देंगे 0 में तो क्या होगा दोस्तों, u बराबर 0, ठीक है ना। ए आपका अल्फा का मान हो जाता है, ए आपका बीटा का मान हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अल्फा बीटा का मान निकालना है। अब दोस्तों सत्यता की जांच करेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, जांच करने पर क्या होगा, मूलों का योगफल, क्या दोस्तों मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणा। दोस्तों अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है दोस्तों माइनस की 2 बराबर माइनस एक्स का गुणा। एक्स का गुणांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें u है तो आप इसको u का गुणांक मानिए। क्या मानिए दोस्तों, u का गुणांक, किसका दोस्तों, u का गुणांक मानिए। तो दोस्तों u का गुणांक कितना है आपका 8 है दोस्तों, माइनस फॉर्मूला का है और 8 आपका जी बटे में u स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 4, कितना है दोस्तों 4। आप 4 से 8 माइनस डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2। इस तरीके से दोस्तों आपका आ जाता है, ठीक है ना। जीत हो गया आपका मूलों का योगफल से जांच। अब मूलों का गुणनफल से दोस्तों अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का अर्थ होता है मूलों का गुणनफल। यदि आप वीडियो को शुरू से देखिए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ने में। दोस्तों सवाल बिल्कुल इजी होते हैं, सिर्फ आपको समझने की परेशानी है। दोस्तों आप थोड़ा सा मन लगाइए पढ़ने में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश तो कीजिए एक बार समझने की कि हम बोल क्या रहे हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या दोस्तों, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका 0 रख दीजिए। बीटा का मान कितना दोस्तों, माइनस के 2। अब दोस्तों इधर पर अचर पद तो कोई है नहीं है अचर पद, तो अचर पद का मान क्या मानेंगे 0। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों 4, 2 का गुणाकार 0 में करेंगे तो 0, यानी कि दोस्तों किसी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आता है, और 4 का भाग 0 में देंगे तो भी 0 आएगा दोस्तों, 0 बराबर 0। तो आपका ये सवाल हो जाता है इस तरीके से। दोस्तों आपको दूसरे सवाल का पहला करना था तो कि आप पहले गुणनखंड करिए फिर उसकी सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों हम सेकंड सवाल देखते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आपको हम पूरी मैथ लगवाएंगे दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है ना। दोस्तों आप समझने की एक बार कोशिश कीजिए और शुरू से वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा। क्या है दोस्तों सेकंड सवाल, t² - 15, क्या है दोस्तों, t² - 15। अब दोस्तों क्या करना है, t² - 15 है ये। अब दोस्तों हमें इसके गुणनखंड तोड़ना है। दोस्तों हम 15 को क्या कर सकते हैं, 15 को हम √15 का होल स्क्वायर चला सकते कि नहीं, क्योंकि जब आप √15 को, जैसे मैंने कहा कि √15 का वर्ग करो, तो वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यानी कि कहने का अर्थ होता है कि मैंने कह दिया कि √15 का वर्ग करो, 15 का वर्ग करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, यानी कि √15 करेंगे अगर तो कितना आएगा आपका 15, यानी 15 को आप ए लिखिए और इसको ए लिख दीजिए, ठीक है ना। दो बार लिखा है तो दोस्तों आप इसका उल्टा करना, थोड़ा दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, टी स्क्वायर को आप इस तरीके से लिख दीजिए, टी का होल स्क्वायर, इसको मानिए ए, इसको मानिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस के बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
अब दोस्तों इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, क्या कर दीजिए इनको जीरो के बराबर, टी बराबर टी प्लस रूट पंद्रह बराबर जीरो और टी माइनस रूट पंद्रह बराबर जीरो, इसको पक्षांतर इसको पक्षांतर, तो टी बराबर माइनस के रूट पंद्रह और इसको टी बराबर प्लस के रूट पंद्रह, ठीक है ना दोस्तों। ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो आप ये टी के मान आ गए, तो ये आपका अल्फा का मान कहलाएगा माइनस के रूट पंद्रह, और ये आपका कहलाएगा बीटा का मान, बीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों रूट पंद्रह। अब यदि आप जांच करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों जांच, तो जांच करने पर क्या दोस्तों जांच करने पर, तो मूलों का योगफल यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा का मान दोस्तों कितना है माइनस के रूट पंद्रह, प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों रूट पंद्रह, एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों, एक्स का गुणांक दोस्तों इधर इधर पर कोई है नहीं, तो एक्स का गुणांक का मान है दोस्तों जीरो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों वन, रूट पंद्रह में से रूट पंद्रह है क्या बचा दोस्तों जीरो, एक का भाग जीरो में देंगे तो जीरो, दोस्तों जीरो बराबर जीरो आ गया, आपका सवाल सही है, ठीक है। अब इसी तरीके से मूलों का गुणनफल देखिए, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अल्फा का मान दोस्तों कितना है आपका, अल्फा का मान है माइनस के रूट पंद्रह गुणा और बीटा का मान है प्लस के रूट पंद्रह बराबर, अचर पद का मान कितना है दोस्तों पंद्रह, कितना है पंद्रह माइनस के पंद्रह, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों एक, रूट पंद्रह का गुणा रूट पंद्रह में करेंगे कितना आएगा दोस्तों पंद्रह, माइनस के एक का भाग पंद्रह में देंगे तो माइनस के पंद्रह बराबर बराबर आ चुका है। आपने सत्यता की जांच कर ली है, यानी कि आपके दोनों तरीके से सही आंसर आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये बराबर आना चाहिए तब आपका जी आंसर सही रहेंगे, अगर जी बराबर नहीं आएंगे तो आपकी सत्यता की जांच गलत है, जी सवाल गलत हो गया कहीं पर आपका, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको सेकंड सवाल बताया। अब दोस्तों मैं चलता हूँ तीसरे सवाल की ओर, सेकंड नंबर का तीसरा सवाल, कौन सा दोस्तों तीसरा सवाल, दोस्तों सवाल एक जैसे ही लगना है, यदि आप बिल्कुल सिंपल यदि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख रहे हैं अगर, तो आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों थर्ड सवाल है आपका, दूसरे का थर्ड सवाल क्या है दोस्तों, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के फोर। अब दोस्तों इसका आपको क्या करना है गुणनखंड, तो चार का गुणा दोस्तों तीन में करिए, तीन गुणा चार, चार ती बारह, बारह की ऐसे गुणनखंड तोड़िए दोस्तों कि माइनस के एक्स बन जाए, तो चार ती बारह क्या दोस्तों चार ती बारह, माइनस के एक्स बचाना तो माइनस के चार लो प्लस के थ्री लो, जब माइनस का एक बचेगा आपका तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के तीन एक्स लो माइनस के चार एक्स माइनस के फोर, दो दो के क्या बना लीजिए जोड़ा, तीन एक्स कॉमन आ रहे हैं इधर से, कॉमन लेना दोस्तों आपको आता होगा, नहीं आता है तो इधर देखिए इधर तीन है इधर तीन, तीन कॉमन आ गए, इधर पर दो एक्स है इधर पर एक एक्स, तो एक एक्स कॉमन ले लीजिए, थ्री एक्स कॉमन आ गए इधर पर बचे एक एक्स, तीन एक्स एकम तीन एक्स, इधर से माइनस के चार कॉमन ले लीजिए सो एक्स, माइनस का भाग माइनस है दोस्तों का हो जाएगा प्लस, चार एकम चार, एक संख्या भी दो कोष्टकों में सवाल सही है अपना, तो एक कोष्टक में एक्स प्लस वन, दूसरे कोष्टक में तीन एक्स माइनस के चार, इनको कर दो दोस्तों जीरो के बराबर, क्या कर दो दोस्तों इसको जीरो के बराबर, चार को पक्षांतर एक को पक्षांतर, तो एक्स बराबर माइनस वन, थ्री एक्स बराबर फोर और एक्स बराबर चार बटे तीन, दोस्तों ए आपका अल्फा का मान कहलाएगा माइनस वन, ए आपका कहलाएगा बीटा बराबर चार बटे तीन, ठीक है ना, अल्फा और जी बीटा का मान, ठीक जी रफ्तार था ये साफ करें दे रहा है मैं, जांच करने पर, जांच करने पर दोस्तों मैंने अभी बताया था जांच कैसे करना है, मूलों का योगफल, योगफल यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या दोस्तों एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, अल्फा का मान दोस्तों कितना है माइनस वन, बीटा का मान कितना है दोस्तों चार बटे तीन, माइनस एक्स का गुणांक माइनस जे है, एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों माइनस का वन, कितना दोस्तों माइनस का वन,
और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों, थ्री। कितना है दोस्तों, थ्री। इसके नीचे आप एक मान लीजिए, भिन्न जैसा सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस के तीन एकम तीन और चार के चार, माइनस गुणा माइनस में करो दोस्तों कितना जाएगा, प्लस, बटे में तीन, चार में से तीन कितना जाए दोस्तों, एक बटे में तीन। दोस्तों एक बटे तीन बराबर एक बटे तीन आ चुका है। इसी तरीके से आप मूलों का गुणनफल निकाल दीजिए, क्या गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, का दोस्तों अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अल्फा का मान दोस्तों कितना है, अल्फा का मान है आपका माइनस वन, बीटा का मान कितना है दोस्तों, चार बटे तीन, जे अल्फा का मान माइनस वन और बीटा का मान चार बटे तीन बराबर। अचर पद कितना है, अचर पद, अचर पद है आपका माइनस के चार, कितना है दोस्तों, माइनस के चार, वो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों, तीन। इस समीकरण से देखो दोस्तों, इस समीकरण से, ठीक है ना, तो माइनस के चार एकम चार बटे में तीन और माइनस के चार बटे तीन तो दोस्तों है ही आपका, ठीक। इस तरीके से दोस्तों आपके ये तीनों सवाल लग जाते हैं दोस्तों। गुणनखंड करके इस तरीके से एक बार योगफल निकालना है, एक बार गुणनफल निकालना है, तब आपकी सत्यता की जांच कहलाएगी। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है जी इधर से, और इस साइड मान रखना है समीकरण से, एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ में क्या है, और एक्स स्क्वायर गुणांक और तीन, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सेकंड नंबर के पूरे सवाल लग जाते हैं दोस्तों। हम देखते हैं तीसरा सवाल, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट का एक शून्यांक 1 बटे 2 हो तो रूट का मान ज्ञात करें, क्या करें दोस्तों, तो रूट का मान ज्ञात करें, रूट का नहीं सॉरी दोस्तों, ये लैम्डा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, लैम्डा, क्या कहलाता है दोस्तों, लैम्डा। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यांक 1 बटे 2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें, क्या है दोस्तों, ये लैम्डा बना है, क्या बना दोस्तों, लैम्डा। दोस्तों एक शून्यांक एक बटे दो दे रहा है, एक शून्यांक का अर्थ क्या है दोस्तों, ये एक्स का मान दे रहा है एक बटे दो, क्या दे रहा है दोस्तों, एक्स बराबर एक बटे दो है, क्या दोस्तों, एक्स बराबर एक बटे दो। तो एक्स का मान, एक्स का मान बहुपद में रखने पर दोस्तों क्या है आपका बहुपद, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा, इसका मान कितना है दोस्तों, बराबर में जीरो, दो गुणे एक्स का मान कितना है एक बटे दो, इसका वर्ग करो, प्लस तीन गुणे एक्स का मान कितना है दोस्तों, एक बटे दो प्लस में लैम्डा, क्या है दोस्तों, प्लस में लैम्डा बराबर में जीरो। दोस्तों ये लैम्डा बना है, इस तरीके से आप लैम्डा बनाएंगे, दो गुणे एक का वर्ग, एक का वर्ग एक और दो का वर्ग चार। दोस्तों एक बटे दो पर जो दो घात का मतलब होता है, एक पर भी दो घात और दो पर भी दो घात होता है, ठीक है ना। तीन एकम तीन बटे में दो प्लस लैम्डा बराबर जीरो, दो दूने चार, तो कितना हो गया दोस्तों, एक बटे दो प्लस तीन बटे दो प्लस में लैम्डा बराबर जीरो। इसका इसका दोस्तों लासा लेंगे कितना आएगा, दो, दो से दो कट गए, वन प्लस तीन बराबर प्लस में लैम्डा बराबर जीरो, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके तीन और एक कितने होगा दोस्तों, चार, चार बटे दो प्लस लैम्डा बराबर जीरो, दो दूने चार। दोस्तों दो प्लस लैम्डा हो चुके आपके, दो को पक्षांतर कीजिए तो लैम्डा बराबर माइनस के दो, ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको तीसरा सवाल करना था, क्या करना था दोस्तों, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य एक बटे दो है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। दोस्तों x बराबर कितना है, एक बटे दो, एक शून्यंक का अर्थ होता है ये लैम्डा, ये x का मान देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, x का मान। और ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो x का मान दोस्तों बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर दोस्तों, बहुपद क्या है आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा बराबर जीरो, जहाँ जहाँ x है उधर पर एक बटे दो रख दीजिए, तो दो गुणा एक बटे दो का वर्ग करिए दोस्तों कितना आएगा, एक बटे चार प्लस तीन, तीन एकम तीन बटे दो प्लस लैम्डा बराबर जीरो, दो से चार काटिए दो सौ, एक बटे दो प्लस में तीन बटे दो प्लस लैम्डा बराबर जीरो। इसका इसका दोस्तों क्या लीजिए आप लासा, दो से दो कट गए, एक बचा एक कम एक, दो से दो कट गया तीन, तीन और एक दोस्तों कितने होगा, चार बटे दो प्लस लैम्डा बराबर जीरो, दो से चार काटिए दो, दो को पक्षांतर कीजिए माइनस के दो आ चुके, ठीक है ना। इस तरीके से आपका तीसरा सवाल होता है। और दोस्तों चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल भी दोस्तों बहुत सरल है,
कोई कठिन सवाल नहीं है। देखते हैं दोस्तों चौथा सवाल आपका, यदि बहुपद, चौथा सवाल है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस चार रूट थ्री एक्स प्लस थ्री के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो, के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो, क्या दोस्तों अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, क्या करें दोस्तों मान ज्ञात करें। दोस्तों आपको इस चीज़ का पता चल रहा होगा ये क्या है, ये है दोस्तों आपका अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, इतनी चीज़ है अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। अब आपको क्या करना है, पहले आप मूलों का योगफल निकाल लीजिए, फिर मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। ये आपका बहुपद है, बहुपद कितना है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस चार रूट थ्री एक्स प्लस के थ्री, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होता है दोस्तों, मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, मूलों का योगफल कितना है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों माइनस के चार रूट थ्री, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों एक, कितना दोस्तों एक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस चार रूट तीन, एक का भाग चार रूट तीन में देंगे तो चार रूट तीन, जी दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, क्या निकालना है दोस्तों मूलों का, मूलों का गुणनफल बराबर का है दोस्तों अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणन, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, दोस्तों मूलों गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अचर पद कितना है दोस्तों अचर पद है आपका थ्री, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दोस्तों एक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक का भाग तीन में देंगे तीन आएगा, ठीक इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये मूलों का गुणनफल हो चुका, ये योगफल हो चुका, बस इसमें रख दीजिए आप, मान इसका ज्ञात करना ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, दोस्तों इसका मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला हमने चार रूट थ्री, अल्फा इंटू बीटा का मान दोस्तों कितना निकाला थ्री थ्री, ये आपका आंसर कहलाएगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यांक p तथा q हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, क्या दोस्तों p स्क्वायर तथा q स्क्वायर का मान के शून्यांक p तथा q हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो बहुपद लिखा है इस बहुपद के आप मूलों का योगफल निकाल लीजिए और गुणनफल निकाल लीजिए, इतना काम करिए आप पहले। तो दोस्तों मूलों का योगफल, मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योगफल यानी कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक कितना है दोस्तों माइनस के साथ, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों दो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस के साथ बटे दो, ये आपका मूलों का योगफल है। अब दोस्तों मूलों का गुणनफल निकालिए आप, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणा, तो दोस्तों मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर,
अचर पद कितना है दोस्तों? तीन। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है दोस्तों? दो। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपका कितना आ गया? ए। अब दोस्तों आपको मान निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है। अब कहने का अर्थ है कि आपके पास दो शून्यंक, एक पहला शून्यंक था पी और दूसरा शून्यंक है आपके पास क्यू। तो आप अल्फा और बीटा ना रख करके आप पी प्लस क्यू रखिए। क्या रखिए दोस्तों? पी प्लस क्यू। इधर पर पी इंटू क्यू रखिए, पी इंटू क्यू रखिए इस तरीके से। अब आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान चाहिए। पी प्लस क्यू का मान है, पी इंटू क्यू का मान। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है कि ये तीनों चीज़ें उसमें आती हैं? आपको पता हो तो बीजगणितीय सूत्र पहला नंबर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के टू पी क्यू, जो होता है यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। पी प्लस क्यू का मान दोस्तों कितना है? सात बटे दो। सात बटे दो रख दीजिए। इसका मान आपको निकालना है। टू इंटू पी इंटू क्यू का मान दोस्तों कितना आया? पी इंटू क्यू का मान आया तीन बटे दो। रख दीजिए इधर पर तीन बटे दो, दो से दोस्तों दो कट गए, सात सत्ते उनचास, दो दो ने चार। इस तीन का दोस्तों पक्षांतर करिए सर, इसमें माइनस के थ्री बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। इसके नीचे दोस्तों एक मान लीजिए, सॉल्व कर दिए, चार लाश आ गया उनचास माइनस के बारह पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। उनचास में से बारह आ गया दोस्तों कितने बचे? सात। चार में से एक कितने बचे? तीन। इनके दोस्तों सैंतीस बचे। कितने बचे दोस्तों? सैंतीस बटे चार आपका आंसर आ जाता है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ये आपका आंसर है कितना दोस्तों? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों? सैंतीस बटे चार आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले पी प्लस क्यू का मान निकाल लेना है और पी इंटू क्यू का मान निकाल लेना है, और आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान चाहिए है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपके पास ये तीनों चीज़ें कौन से फॉर्मूले में आती हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक पी को मानिए ए और क्यू को मानिए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों मैंने आपकी क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ अध्याय टू बहुपद दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ प्रश्नावली टू बी। दोस्तों मैंने प्रश्नावली टू बी के आज आपको पांच सवाल लगवाए हैं दोस्तों, पांच। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन में थ्री सवाल थे और क्वेश्चन नंबर टू में तीन सवाल थे दोस्तों, और फिर बकाया में सिंगल सिंगल सवाल थे दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपके पांच प्रश्न पूरे हल करवाए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों करवा रहा हूँ। यदि आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लास एग्जाम के बरुआ सागर के साथ।